खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। बाबा जी आज मेरे लिए ना बहुत बड़ा दिन है। ढिल्लों परिवार वालों ने ना मैनू हेल्पर के काम के लिए बुलाया है। थानू तो पता है ना मैनू नौकरी की कितनी जरूरत है। बस आप अपनी मेहर बनाए रखना। ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਲਿਆਈ ਵੇ ਚੁਟਕੀ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਵੇ ਸਭ ਮਹਿਕ ਮਹਿਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਮਹਿਕ ਮਹਿਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲਾਈ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੀ ਪੀਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਸੇ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਹਿਣ ਜੀ ਮੰਗਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ दालचीनी लाई है खुशबू भीनी भीनी कुड़ी है जैसे दालचीनी लाई है खुशबू भीनी भीनी कुड़ी है जैसे दालचीनी। ओए आफत किथों दी आ गई। मुफ्त 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 मनजीत ते ठेले की सारी सब्जियां मुफ्त। मनजीत रुक जो की कर रहे हो। ओ माफ करो मेनू। ले लो ले लो ले लो। ओ माफ कर दो मेनू माफ कर दो। और रोक ले ना नू और लुट जाऊंगा मैं। सुधर जा मनजीते सुधर जा। ठगी के पैसों से ना कोई दौलत नहीं बढ़नी बस तेरा बीपी बढ़ जाना है। मैं तो माफ कर दे अगली बार तो ऐसा नहीं करूंगा। क्यों माफ कर दिया जाए। चल माफ किया पर एक शर्त पे जो जो सामान मैं बोल रही हूँ ना छेती छेती पैक कर और मेरे ट्रोले पर चढ़ जाना चाहिए। ठीक है। 8 किलो प्याज 8 किलो गाजर 8 किलो टमाटर 3 किलो आलू 3 किलो मिर्च और कम से कम मुफ्त में 5 कटी तनिया। ओए दालचीनी इतनी सारी सब्जियाँ किसकी शादी में जा रही है खाना बनाने। नहीं जी कोई शादी वादी नहीं है वो मसाला फैक्ट्री वाला ढिल्लों परिवार है ना ढिल्लों परिवार। हाँ उन्होंने ना बाबा जी का सत्संग रखा थी और वो राजा रानी मैडम जी है ना वो खुद खाना बनाने वाली है और उन्होंने नेटो बुलाया है उनकी मदद कराने लाई। कितना स्वाद खाना बनांदी है तू दालचीनी अपना खाना बनाने कुछ खास नियम मेनू भी दस दे। उसे कोई नियम व्यम नहीं होता खाना बनाने के लिए खाना तो दिल से बनाया जाता है। क्यों जी आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा जी आज कोई भी गड़बड़ ना हो। सारी तैयारियां हो गई। हाँ जी मैम। किचन क्लीन है। हाँ जी मैम। कितना जीरा है। 4 ग्राम। नीली 3 ग्राम। चार ग्राम मतलब 4 ग्राम। गेट आउट। तुम लोगों को समझ में नहीं आता है खाना दिल से नहीं बनता है नाप तोड़ कर बनाया जाता है। की है सब्जी का साइज जब एक सा होता है ना तो सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। इक्वल काट अच्छे स्वाद के लिए। चल जल्दी कर। देखा कितना भी कर लो लेकिन इस जनानी ने ना खाना मैंने उसे निकालना ही निकालना है। दिव्या आई भाभी। अदरक और मिर्च का पेस्ट रेडी है। हाँ जी बस डाल दिया भाभी। कितनी बार दसनर अदरक और मिर्च एक साथ नहीं डालनी है स्वाद खराब हो जाना है। मेरी नजर कढ़ाई पर भले ही ना हो पर खाने में मैं कोई गलती नहीं कर सकती। आई समझ। पर
जाए जी, आप भी खाने को लेके ना कभी कभी बहुत ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हो। तो वैसे भी जब ये अदरक और मिर्च अंदर जाके एक ही स्वाद देने वाली है तो की वड्डी गल हो गई। विमी, खाना दिल से नहीं बनता, नियमों से बनता है। अरे वाह, मतलब आज छोले पूरी बनने वाली है। तेज अगर आज यहाँ पे होता ना तो कम से कम 16-17 पूड़ियाँ उसने कल ने चटकर जानिया सी। ऐसे भी पर जाही जी के हाथों के बने छोले की खुशबू से उसके चेहरे पे वैसे ही रौनक आ जाती है। और तेज का नाम सुनते ही पर जाही जी के चेहरे पे मेरे बच्चे को अच्छा खाना खिला के जो मुझे सुख मिलता है ना, वो मुझे किसी और चीज में नहीं मिलता। हाय, इतने महीनों बाद मेरा बच्चा वापस आ रहा है, मुझे मुस्कान देखने को मिलेगी अपने बच्चे की। राजरानी पुत्र। हाय दादी। वेरी पोने दादी। खुश रह पुत्र, विवाह खुशबू बड़ी चंगी आ रही है। लगता है आज सत्संग में पूरी की पूरी वाहवाही तूने लूट लेनी है। उम्मीद तो यही है दादी कि आज सत्संग में ढिल्लो परिवार का नाम रोशन हो। जब से बीबी ने बेड पकड़ा ना, इसको रसोई की चाबी दी है, तब से सारा दिन तो हुक्म ही चलाती रहती है ये। होर नहीं ते की सानू ते काम वाली बनाकर छड्या। पता नहीं दारजी को भी ऐसा क्या हुआ कि सारे घर की चाबियां इसे रुड़ जानी, राज रानी के हाथों में दे दी हैं। भाई मैं चाहता हूँ कि जैसे तेरे लिए मैं फख्र महसूस करता हूँ, वैसे ही आज सत्संग में आने वाला हर आदमी तेरे पे फख्र महसूस करे। सालों पहले ये सत्संग मैंने तेरी बेबे के साथ मिलकर करवाया था। तुझे पता है उसके हाथ का बना हुआ खाना आज भी लोकी याद कर देने। और मेरी बेबे के हाथ के खाने का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। करी बना भाजी जी तेरा पुत्र। हिम्मत है भाई तेरे में, जो तू कोशिश भी कर रही है। वैसे खाना तो राजरानी भी बहुत अच्छा बनाती है। बीजी पहले नाश्ता तो कर लीजिए, कह रही है बड़ी मेहनत के साथ बनाया है, तो कुछ ठीक ठाक ही बनाया होगा। अरे ठीक ठाक नहीं, बहुत बढ़िया बनाया होगा। वैसे भी आज राजरानी पुत्र की वजह से तुझे पगड़ी का मान मिलने वाला है, पर एक बात का ख्याल रखना पुत्र, रिवाज के हिसाब से तेरे अलावा किसी और का हाथ नहीं लगना चाहिए आज इस प्रसाद को। आज कोई गलती करके ढिल्लो परिवार की नाक मत कटवा देना। वैसे मुझे तुझसे कोई ज्यादा उम्मीद तो है नहीं। दर्जी भरोसा रखिए, आज कोई गलती नहीं होनी। रब करे ऐसा ही हो। भाई पापी जी पहली बार सत्संग के लिए खाना बनाने जा रही है ना। ये बात सोच सोच के तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि कहीं भाभी जी के हाथ से अगर गलती से भी कोई गलती हो गई ना तो हमारे परिवार की तो नाक कट जानी है। मुझे अपने हुनर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, कुछ गलत नहीं होना। पर जाई जी आप भी तो इंसान ही हो ना, और इंसान से गलती तो हो ही सकती है। विमी अपने शक को चाशनी में लपेटने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इस शक को शर्त में बदल देते हैं। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे घर की चाबियां सौंप दूंगी। पर जाइए जी, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए हो। वेमी शर्त शुरू हो चुकी है। देखना आज तो ये चाबियां मैं छीन कर रहूंगी। वैसे परम पुत्र तेज टाइम पर पहुंच जाएगा ना सत्संग में। मैनू की पता पापा जी, उसकी माँ को पता होगा, उसी का लाडला है। दारजी उसकी फ्लाइट लैंड करने वाली है, वो सीधा सत्संग ही आने वाला है। दारजी नीली को छोड़ रही हूँ मैं बीजी की मदद के लिए। ठीक है पुत्र। ओ तो भरजाई जी आपको हमारी हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी ना। फिर जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो क्या है ना, वो केटरिंग वाली जो औरत है ना, वो एक हेल्पर लड़की मेरे लिए भेज रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
सरकारी की कौन है महिला सर? गोली, गोली बता दो वहाँ क्या है। गोली प्लीज प्लीज गाड़ी रोक दो भाई जी, प्लीज रोक। गोली मैं क्या हूँ, प्लीज गाड़ी रोक दे, गोली लग जाएगी उनको। अरे तू करेगी क्या इसे बचा के? जुए में सब कुछ हार चुका है तू, गोभी बेच रही है, इसने तेरा घर बेच दिया। घर पापा जी, गोली तू एक मिनट गाड़ी रोक दे, मैं बात कर लेने मुझे। अरे रुक जा, गाड़ी नहीं रुक रही। करेगी क्या तू इसे बचा के? हाँ सुन गोल्डी, पापा जी ने जितने पैसे लिए ना तुझसे, मैंने वो सारे लौटा देने, बस थोड़ा सा वक्त दे। जुए में ये सब कुछ हार चुका है और एक दिन तुझे भी हार जाएगा। छोड़। चल ठीक है, छोड़ा तेरे बाप को, पर एक बात, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये तेरे घर की चाबी मेरी। गोली चाबी दे। गोल्डी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, गोल्डी प्लीज चाबी दे दे। गोल्डी तू सोच ना, मैं कहाँ जाऊंगी पापा जी को लेकर? गोल्डी तू चाबी ले जाएगा तो मैं और मेरी बहन कहाँ जाएंगे? गोल्डी का बहन, मेरी बहन कहाँ है? कला कितने? कला कितने तेरी बहन? कला गोल्डी मेरी बहन कहाँ है? कला गोल्डी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, गोल्डी बहन कहाँ है? दीदी मैं सब ठीक कर दूंगी कला, तू फिक्र ना कर। कला तू ठीक कर ना, इन्होंने मुझे पानी में फेंका ना कला? नहीं मुझे नहीं फेंका, मेकअप का सामान मेकअप वही लेने गई थी। दीदी 900 रुपए का मेकअप मैंने साल भर एक एक रुपए जमा करके के लिया था और इस आदमी ने सब कुछ उठा के पानी में फेंक दिया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कला 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 जाने दे। जी। कल मुझे कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना था, अब मैं बिना मेकअप करके कैसे? ओए इसे तो अपने मेकअप की बड़ी है, बाप चाहे जिए चाहे मरे। सुन मेरे पूरे 80,000 मेरे मिल जाने चाहिए और पहली किश्त आज शाम को, पूरे 10,000। क्या बगार? और अगर आज शाम तक पहली किश्त ना पहुंची तो इस बिजली को उठा ले जाऊंगा। चलो घर बचाने का एक ही रास्ता है, बुआ जी ही मेरी मदद कर सकती है। रोक दे। ओए हाय कितना घुमा के लाया, ले भाई फाड़। 200 तेनू देते, 40 रुपए अपने को है नहीं, वैसे तो तेरे 80 कटने चाहिए, ले फाड़। बुआ जी, बुआ जी
ओए कुड़िए, मैंने तेरे को जमीन पे उगने वाली मूलियां लाने के लिए बोला था, तू चली गई सातवें आसमान पे इतना टाइम। बुआ जी, पापा जी ना जुए में घर हार गए और गोल्डी है ना, गोल्डी घर की चाबी ले गया है। मुझे ना कुछ भी करके 10,000 रुपए जी दे दो ना। 10,000 रुपये? तेरे प्यो ने भी देखिएगा भी 10,000 दे दो। बुआ जी, भगवान के लिए मदद कर दो, वरना मुझे कहीं और जाकर इंतजाम करना पड़ेगा और फिर मैं काम पर भी नहीं आ पाऊंगी। कर दो ना आज बुआ जी मदद। अच्छा, मेरे को ब्लैकमेल कर रही है तू, चल हाथ छोड़ मेरे। नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो बस अपना घर और इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हूँ, कर दो। ठीक है, मैं सामान रख देती हूँ, मैं कहीं और जाती हूँ। हाँ, अब इस वेले किसे ढूंढने जाऊंगी, इसे क्या पता कि राज रानी भैन जी ने दिए तो 30,000 हैं, इन भिखारियों को 10,000 दे भी दिए तब भी 20,000 का मुनाफा तो हो ही जाना है। ओए कुड़ी, ओए कुड़ी, एक गल सुन, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात, मैं तेरे को 10,000 जरूर दूंगी, लेकिन राजरानी बहन जी के फैक्ट्री की टिफिन के कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, और अगर तूने जरा भी काम में कोई गड़बड़ की तो मैं तेरे को फुट्टी कोड्डी नहीं देने वाली, समझ आई बात? चल उठा सामान। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं अभी रखती हूँ सामान। छेती चल काम शुरू कर ले। ये कुड़ी के नखरे सहने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे पिंड में ना इसके जैसा खाना बनाने वाला कोई नहीं। सुन, हाँ, जो सामान कहा था लाइए कि नहीं? हाँ लाइए। आपका इंतजार हो रहा था, देखो ऐसी सुंदर तैयारियां की हैं, सारे लोग की पूछ रहे थे, कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई राजघराने का सत्संग है। मैंने भी कह दिया ढिल्लो परिवार किसी राजघराने से कम थोड़ी है। क्यों बहन जी? हेल्पर कुड़ी किथे? दालचीनी। हाँ जी हाँ जी, वैसे तो ना बहन जी वो छोटी थी ना, तब से उसको प्यार से सारे दाल। उसको मेरे तौर तरीके समझा दी? हाँ जी, खाने की किसी भी चीज को वो हाथ नहीं लगाएगी, खास करके प्रसाद को। एक एक चीज समझा दी है, आप जो कहोगे ना बस वो वही करेगी। अच्छी बात है, जल्दी भेजो। आज तो आपकी मदद सिर्फ पापा जी कर सकते हैं पापी, क्योंकि जो मैं करने वाली हूँ ना उससे घर में तो आपकी इज्जत बिल्कुल ही नहीं रहेगी। दीदी करण की वाले हो तू ठंड रख, जो मैं करने वाली हूँ ना उससे इसको बहुत जलन होने वाली है। दाजी को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं बाबा जी, आज मुझसे कोई गलती ना हो, बस मेहर करना, चाबियां मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। पट्टी आई थी मेनू चैलेंज देने वाली, जब ये लाल मिर्च आंखों में जाएगी ना, ना बनेगी खीर और ना रहेगी महारानी की अकड़। ये लड़की जो सामने आकर खड़ी होगी, सारे किए घर पे पानी फेंक के इसने। कोई ना, बिल्ली के पास चालों की कमी थोड़ी ना, अभी तो ब्रह्मास्त्र बाकी है, आजा मेरे नाथ। हाय वीर अब्बा, चकले मेनो, अब की हो गया कुड़िए? बुआ जी, किसने पंखे के सामने ना मिर्ची रख दी थी, बहुत जलन हो रहा है, आंख नहीं खुल रही। हाय वीर अब्बा, इतने कम टाइम में मैं दूसरी हेल्पर कहां से ढूंढ के लाऊं?
अपनी पहली किश्त आज शाम को दे जा, घर की चाबी ले जा। नहीं 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 बुआ जी, कैसी गल कर रहे हो आप? पापा जी और कलाना मेरा घर खुलवाने का इंतजार कर रहे हैं। बुआ जी कुछ भी करके ना मैंने ये सारा काम कर लेना है। बुआ जी मैं कर लूंगी। बुआ जी संतोष कहाँ है वो लड़की? आई बहन जी। एक बात सुन मेरी, अपनी चुन्नी को ऐसे टाक के रखना, और अगर बहन जी ने देख भी लिया और पूछ भी लिया ना तेरे से, तो ये कहना कि हमारे गांव का नियम है कि प्रसाद बनाते हुए ऐसे ही सिर को टाक के रखते हैं, समझी? जी जी बुआ जी जी। चल निकल छेती यहाँ से। जी मैडम जी, आ गई मैं। मैं जो जो मांगू वो यहाँ पे लाके रख दियो। जी मैडम जी। चावल लेके आ। ओ छेती कर। बाबा जी मदद करना, मदद करना। मैंने ये नौकरी और ये पैसों की ना बहुत जरूरत है, हिम्मत देना। काजू बादाम रेडी है ना, लेकर आ। जी मैडम जी। और तूने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? हमारे यहाँ ना प्रसाद का काम बिना पल्लों के नहीं करते। दालचीनी? और खीर में कौन दालचीनी डालता है? मैडम जी तुसी डाल के तो देखो, जादू है दालचीनी में, जादू। मैंने अपने सत्संग के प्रसाद को ना खराब नहीं करना तेरे चक्कर में, आई बात समझ में? जितना बोला जाए उतना कर, इतना दिमाग ना लगाई, समझी? माफ कीजिए मैडम जी। 200 ग्राम मिश्री कुट केला। जो काम मिर्ची ना कर पाई वो काम ये फिटकरी करेगी। पहले मखाने दे। हाँ मैडम जी। मिम्मी ओए तू इत्थे की कर रही है? क्या ढूंढ रही है? हैं? दिव्या दिख रही है? ऐसे नहीं आई, निकली इधर ही थी, कहीं और होगी, मैं बाहर देखती हूँ। चल ली ना हो तो। मिठा ओए मिश्री। हाँ बस आई मैडम जी। लगता है गुरुजी आ गए। सुन। जी मैडम जी। ध्यान रखना, खीर को हाथ नहीं लगाना। जी आई बात समझ में? गुरुजी की जय हो। 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 प्रणाम गुरुजी। आइए प्लीज। कैसे गई? हेलो किथे पुत्र? रास्ते में हूँ मॉम। फ्लाइट को भी आज ही लेट होना था, गुरुजी पहुँच गए, सब तेरे बारे में पूछ रहे। बस मॉम पहुँच रहा हूँ। जल्दी आ, ठीक है? जी मॉम। और चढ़ाओ उसे अपने सर पर, 2 घंटे पहले की फ्लाइट नहीं ले सकता था वो। पहुँच रहा है। सत्संग में प्रसाद कैसे बटेगा? राजरानी मैडम जी ने ना तो जान ले लेनी है मेरी। खीर को हाथ नहीं लगाना। क्या करूं क्या करूं? मैडम जी को बता के आती हूं।
पगड़ी की रस्म तो शुरू हो गई है और किसी भी वक्त ना बुआ जी ने प्रसाद लाने को कहना है। प्रसाद नहीं मिलाना तो घर की चाबियां नहीं मिल पाएंगी, बड़ा पंगा हो जाना है। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ढिल्लो परिवार में से आज सत्संग के लिए भोग किसने बनाया? गुरु महाराज जी, ढिल्लो परिवार की बहुओं को यह सौभाग्य प्राप्त है। खीर मैंने ही बनाई है जी, मैं लेकर आई।